करू छू साहेब पधारो भारत माता की भारत माता की। सौथी पहला आटली मोटी संख्या में पूज्य संतो आशीर्वाद आपवा माटे आव्या छे एमने प्रणाम करू छू। मंच पर बिराजमान सौ आगेवानो अने विशाल संख्या में पधारेला वाला नागरिक भाईओ अने बहनों हूँ जोउ छु त्यां पेलू एलईडी लगायुं छे एनी पेली बाजू पब्लिक छे। हवे एमने देखातुं ए नहीं होय संभळातुं ए नहीं होय पण आटली मोटी संख्या में तमे अमने बधाने आशीर्वाद आपवा आवो। हवे तमने आरी सेवा करवामां दिवस रात खपी जवानुं मन थई जाय भाई। अने हूँ बे दिवस थी गुजरात ना अलग अलग भागों में जई रह्यो छूं। दक्षिण गुजरात में गयो सौराष्ट्र में गयो चारे तरफ आ चूंटणी गुजरात नी जनता लड़ी रही छे गुजरात ना नागरिको लड़ी रह्या छे जेमने गुजरात नी आवती काल नी गेरंटी जोईए छे उज्ज्वल भविष्य की गारंटी जोईए छे एवा लोको आजे आ चूंटणी नु नेतृत्व संभाळी रह्या छे अने भारतीय जनता पार्टी नो विजय वावटो उज्ज्वल गुजरात भव्य गुजरात दैदीप्यमान गुजरात एना माटे थईने दिवस रात जहमत करी रह्या छे एवा गुजरात ना नागरिको ने हूँ प्रणाम करू छू। जंबूसर ना नागरिको ने प्रणाम करू छू। भरूच जिल्लाना नागरिकों ने प्रणाम करू छू। हवे तमे मने कहो भाई देश में कोई एवो प्रधानमंत्री तमने मळे के जेने जंबूसर क्या आयु ए खबर छे? आमोद क्या आयु छे ए खबर छे? एवो कई मळे तमने? झगड़िया क्या आयु एने खबर न पड़े झगड़िया गाम छे के झगड़िया स्वभाव छे? हवे ए लोको गुजरात नु भलू करी के भाई मने को जेने खबर ना होय ए तमारा सुख दुख नी चिंता करी सके आ तमारो घर नो जण होय घर नो माण होय तो सुखे दुखे तमारी जोड़े रहे के ना रहे आटली जमत तो अपना गुजरात वाला हो भाई। भाईओ बहनों थोड़ा दिवस पहला मैंने भरूच में विकास नो महोत्सव उजवा माटे आवानो अवसर मळ्यो हतो अने आजे लोकतंत्र नो उत्सव उजवा माटे हूँ तमारी वच्चे आयो छु। जंबूसर नो आ उत्साह आ उमंग आखा भरूच जिल्ला नो जे विश्वास छे ने ये आखा गुजरात में देखाई रह्यो छे। भाईओ जे तमारा में पड्यू छे ने ए मने गुजरात में खूणे खूणे देखाई रह्यो छे। गुजरात ना अमृत काल नो आ अमृत काल नी विकास यात्रा नी शुरुआत छे भाईओ अने एटले ज चारे तरफ एक ज वात सांभळवा मळे छे एक ज नारो सांभळवा मळे छे एक ज शंखनाद सांभळवा मळे छे एक एक गुजराती के छे फिर एक बार आज गौरव थी भरेलू आपणो गुजरात एने जे पुरुषार्थ कर्यो छे जे परिश्रम कर्यो छे अने डगले ने पगले मात्र ने मात्र गुजरात नु कल्याण थाय तो ए कल्याण में अमारु कल्याण नक्की छे एवो जेमनो विश्वास छे अने एना माटे जेने
खबे खबो मेळाईने काम कर्युं छे अने एटले प्रत्येक गुजराती गौरवपूर्वक बोले छे, प्रत्येक गुजरातनी माता बहनों गौरवपूर्वक बोले छे, प्रत्येक गुजरातनो नागरिक गौरवपूर्वक बोले छे कि आ गुजरात आ प्रत्येक गुजराती नो आजे भाव छे के मैं गुजरात बनाव्युं छे अने एना फल गुजरात ने मळी रह्या छे। भाईओ तमे जुओ भूतकाळ में चूंटणीओ थाय अने गुजरात में सरकार भूतकाळ में सरकारो चाले तो छापा उपर शुं चमकतुं होय, दिल्ली में सरकार होय तो एक ज बात हो, आटला करोड़ना गोटाळा आटला करोड़ना गोटाळा आटला करोड़ना गोटाळा, आ लूटी गयो पेलो लूटी गयो पेलो लूटी गयो, आवुं चालतुं हतुं ने। आ भारतीय जनता पार्टी ए गुजरात नी अंदर एवो झंडो रोपी दीधो छे, एवो झंडो रोपी दीधो छे कि गम्मे ते पॉलिटिकल पार्टी आवे, जातिवाद करवा वाली आवे तो पण, गुंडागिर्दी करवा वाली आवे तो पण, भ्रष्टाचार में डूबेली होय तो पण, बधाए हवे विकास नी वात करवी ज पड़े। आ विकासवाद नी राजनीति कोई लाव्यु होय तो भारतीय जनता पार्टी लाई छे भाईओ। अने आ गुजरात नी मोटामां मोटी देन छे के गुजराते बधी पॉलिटिकल पार्टीओ ने कही दीधुं भाई बाकी बधुं जवा दो, तमे गुजरात ना कल्याण माटे शुं करशो, गुजरात नी आवती काल माटे शुं करशो एनी वात करो। अने एटले ज आजे भरूच अमारो अभूतपूर्व विकास नी केडी कंडारी रह्युं छे। 20 वर्ष नी अंदर भाईओ बहनों आ गुजरात केटलू बधुं बदलाई गयु छे, आपणो भरूच जिल्लो केटलो बधो बदलाई गयो छे अने एना कारणे केवो विश्वास पैदा थयो छे ए आपणे जाणीए छे। तमे विचार करो 2 दशक पहला आ भरूच जिल्लामां माथुं ऊंचू करीने उभा रहेवुं होय तो चिंता थती हती कि नहोती थती, बेन दीकरीओने सांजे जवुं होय तो चिंता थती हती कि नहोती थती, आ बधी मुसीबतो गई कि ना गई, वार त्योहारे उल्लड़ो थता बंद थयुं कि ना थयुं, सुख शांति आवी कि ना आवी, कर्फ्यू अहीं आपणा भरूच जिल्लामां तो छोकरू जन्मे तो काका मामा नाम ना आवडतुं पण कर्फ्यू शब्द खबर होय ने, आ कर्फ्यू गयो कि ना गयो, गयो कि ना गयो, शांति आवी कि ना आवी, विकास आयो कि ना आयो, भाईचारो आयो तो आजे गुजरात भरूच जिल्लानो विकास थई रह्यो छे कि नथी थई रह्यो। भाईओ बहेनो चाहे शिक्षण नी वात होय, शाळाओ नी वात होय, कॉलेज नी वात होय, गुणवत्ता नी वात होय, आ बधी ज बाबतमां आपणे नवी नवी ऊंचाईओ सर करी छे। भाईओ आजे एंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज आ बधुं भरूचमां, भाईओ सिंचाई नी बाबतमां नर्मदा आटली बधी आपणे त्यांथी जाय पण पीवाना पाणीना सांसा पड़े, आ मां नर्मदा आपणा आपणो तो एनी खोळामां मोटा थया तो ए आपणा खेतरोने पाणी ना मळता होय एमांथी रस्ता काढवानुं काम आ भाजप सरकारे कर्युं छे। भाईओ आजे दूधनुं उत्पादन होय के पछी 20 वर्षमां भरूच जिल्लाना विकासनी कोई पण बाबत लई लो तमे साहेब, 20 वर्षनी अंदर 2 गणो 2.5 गणो 3 गणो विकास जुदा जुदा क्षेत्र में आपणे कर्यो छे। अने उद्योगों में तो आ भरूच जिल्लाए जे हरणफाळ भरी छे ने हिंदुस्ताननां नाना नाना राज्यों करता पण एकलो भरूच जिल्लो आगळ निकळी गयो छे। भाई कोई उद्योग एवो नहीं हो जाय जे भरूच जिल्लामां नहीं हो। भाई 2 दशकमां भरूच जिल्लाना उद्योगोनी संख्या कूदके ने भूसके वधी छे। भाईओ अमे अहींया इंडस्ट्रियल एस्टेट नी वात होय, सौथी मोटू इंडस्ट्रियल एस्टेट, सौथी मोटू पीसीपीआईआर, भाईओ बहनो फर्टिलाइजर नू मोटामां मोटू कारखानू, केमिकल नी मोटामां मोटी कंपनीओ, दवानी मोटामां मोटी कंपनीओ, अने आ बधाने लेबल भरूच। आ वट पड़ी गयो के नहीं भरूच नो भाईओ? अरे आजे भरूच जिल्लामां बनेली दवाओए दुनिया में केटलाय लोकोनी आ कोरोना में जिंदगी बचावी छे, भरूच वाळानी छाती फूले के ना फूले? भाईओ आ काम थयुं छे। अने मारा भूपेन्द्र भाई सरकार
गुजरात की सरकार एने जे नवी औद्योगिक नीति लावी छे, औद्योगिक पॉलिसी लावी छे, एना कारणे तो आ भरूच जिल्ला जेवा औद्योगिक रीते आगळ वधी रहेला जिल्लाओने तो मोटो कूदको लागवानो छे, मोटी हरणफाळ भरवानी छे भाईओ। अने एनी साथे साथे लघु उद्योगनी झाळ, आ लघु उद्योगना कारणे अमारा आदिवासी भाईओ बहेनो, मने याद छे पहेला अहींया रोड नी मांगणी आदिवासी भाईओ करे, रेलवे करे तो सेना माटे करे के साहेब मारे त्यां रोजी रोटी माटे अप डाउन करवानुं होय छे, अमने आ कारखानामां अमे काम करीए छे, अमे हवे पेला रोड बनावाना काम बंद कर दीधा छे, अमे तो उत्पादन करवा वाला बनी गया छे। भाईओ बहनो, आ परिवर्तन एकला एक जिल्लानुं कोई राज्यनुं ना होय ने एटलुं बधुं भरूच जिल्लानुं आपणे कर्युं छे। गरीबोना कल्याणने आपणे भरेला छीए। नरेन्द्र होय के भूपेन्द्र होय, आ सरकारनो ज मतलब छे, सौनो साथ, सौनो विकास, सौनो विश्वास अने पाछो सौनो प्रयास। अने आज वात करीने भाईओ बहेनो, ज्यारे आपणे आगळ वधी रह्या त्यारे पहेला शुं हाल हती, अरे आपणने भरूच जिल्लामां खबर छे, एक जमानो हतो आ गरीबनुं राशन जे होय ने आ राशन कार्ड पण लूटी लेता हता, ने राशन पण आ फर्जी कार्डमां लूटाई जतुं हतुं। दिवसो तमने 20 वर्ष पहले तो आ ज्यां जुवानी आम तो खबर नहीं होय कि गरीबना राशन माथी लूट चलावनारा लोको अहींया भरूच जिल्लामां बैठा था, अने राजकीय मोटा मोटा नेताओ लांबा लांबा जब्बा पहेरीने फर्या करता था। भाईओ, आ दशा हती गुजरात अहींया। अमारा खेडूतोने मदद मळे एमां आ बचेटियाओ एमनी मलाई काढी जाय, स्कॉलरशिप होय, लोन होय, गरीबोने पाकू घर मळवानुं होय, गरीबोना हक उपर डगले ने पगले कमीशन सिवाय वात नहीं, कटकी कंपनी सिवाय वात नहीं, ये पेलाना वाया तमे जाओ तो ज मेळ पड़े, तो तमारी अरजी आगळ वधे। भाईओ बहनो, आ दशा हती। 100 वर्ष में आवडी मोटी भयंकर आपदा आई, आखी दुनिया हली गई, कोविडे सगा वाला ने दूर कर दीधा, कुटुंबमां कोई ने कोविड थयो होय तो बाकी लोग ए रूम में न प्रवेश, एवी दशा आवी गई, मौत आम ऊपर लटकतु है ने एवा दिवसो आई गया था। एवे वक्ते आ देशनो कोई नागरिक भूखे न मरे भाईओ, एने बे टाइम एना घर में चूलो सळगे, एना माटे ना घेर घेर राशन पहोंचाड़वानुं काम आ सरकारे कर्युं छे भाईओ। कारण कोई गरीब माना घर में भूखा छोकरा सूता न होय। हमणा मने हेलीपेड पर अमारी आदिवासी समाज की केटलीक बहनों स्वागत करवा आवी थी, मैं एमने पूछू बहन बहनों में केम छे, मने के साहब ये तो एम के छे आ तो अमारो दीकरो दिल्ली में बैठो छे ने, अमने भूखे रहेवा ज ना दे, भूखे रहेवा ज ना दे। जरा आदिवासी मां एम कहती होय के दिल्ली में एनो दीकरो बैठो छे, त्यारे आ दीकराने केटलो बधो आनंद थाय तमे कल्पना करी शको छो, अने ए मां माटे काम करवा माटेनुं केटलुं बधुं मन थाय भाई। अने एटला माटे 80 करोड़ लोकोने राशन पहोंचाड्यु भाईओ, अने क्यांय कोईए कटकी करी हो एवा सवावड नथी आववा देता भाईओ। आ काम आपणे कर्युं छे। वेक्सिन तमे मने कहो, आ मोदी सरकारे वेक्सिन मफतमां ना आप्युं होत, आ मारो गरीब आदिवासी भाई बहन आ वेक्सिन लेवा जात क्यां, आ अमारो श्रमिक भाई बहन आटली 1000 रूपया खर्चो थाय भी वेक्सिन क्यां लगावा जात। अरे अमारा माटे तो अमारा देश नो नागरिक नो जिंदगी पहली छे। 200 करोड़ डोज भाईओ, 200, विचार करो, आ आ काम आपणे 200 करोड़ डोज लगाईने आ देशना लोकोने सुरक्षित राखवा माटेनुं काम कर्युं भाईओ बहेनो। अने एक काणी पाई लीधी नथी, तमारो वेक्सिन लाग्युं छे के नहीं मने कहो भाई, वेक्सिन लाग्यू छे कि नहीं, जरा जरा हाथ ऊपर करीने कोने लाग्यू छे कि नहीं, बधाए वेक्सिन लगाव्यू छे कि नहीं, एक काणी पाई आपवी पड़ी थी, एक काणी पाई आपवी पड़ी थी, कोईनी लागवग लगावी पड़ी थी, कोई ने भ्रष्टाचार करवो पड़ो तो। अरे आ सरकार एवी छे तमारी जिंदगी माटे जेने दौड़वा वाली सरकार छे, अने एटला माटे काम करी। भाईओ बहेनो, आपणे पीएम किसान सम्मान निधि सीधी बैंकना खाता में जाए, खेडूतोना खातामां सीधा पैसा 12 महीनामां 3 वखत जारे एने जरूर पड़े त्यारे, अने
अमारा गुजरात नी अंदर लाखों किसानों ने लगभग 12,000 करोड़ रूपया आ किसान सम्मान निधि में मळ्या। अने कोई कटकी कंपनी नहीं, एक एवा प्रधानमंत्री हता देश में, एम कहता था कि दिल्ली थी रूपियो निकले ने तो 15 पैसा पहुंचे थे। आ मोदी एवो माणस तमारो दीकरो बैठो छे के जेने दिल्ली थी रूपियो मोकले ने 100 पैसा तमारा खाता में जमा थाय, कोई वचेटिया नहीं, कोई कटकी कंपनी ने भाईओ। अने एना कारणे मारे एकला भरूच जिल्ला में 2 लाख खेडूतो भाईओ, 2 लाख खेडूतो एमना खाता में 400 करोड़ रूपया जमा थई गया छे। गेरंटी ना कार्ड नहीं वेचा, 400 करोड़ रूपया ना खाता में जमा थई गया छे। आ काम अमे करीए छे भाईओ, गरीबों ने पाक्कू घर मळे एना माटे जेने पाछो एने जेवू बनाववू होय एवू घर बनावे, एना खाता में सीधा पैसा जमा थाय। अने आजे तो गरीबों ना घर छे ने ये 1.25 लाख 1.5 लाख 2 लाख रूपया ना बने छे। अने गरीब ने जारे घर मळी जाय ने एटले रातोरात मारो गरीब लखपति बनी जाय, 1.5 लाख ना 2 लाख ना घर नो मालिक बनी जाय। अने मालिक पाछी मां बने, अमे तो नक्की कर्युं के सरकार घर आपसे एनु मालिकीनामा नाम माताओ बहनों नु हशे, जेथी करीने जीवन में कोई मुसीबत ना आवे। भाईओ बहनों आ काम कर्युं छे। गुजरात में लाखों पाका घर बनाई दीधा आपणे। कोई गरीब ने फूटपाथ पर जिंदगी जीवी पड़ती थी, झूपड़ी में जीवा पड़ती थी, एटलू ने भाईओ बहनों माताओ बहनों एमना माटे नी सुविधा, एमने माटे समृद्धि, एना माटे आपणे अनेक कामो लीधा। अने हूँ तो कहूँ मारी माताओ बहनों आभार व्यक्त करू छू के एमने 20-22 वर्ष पहला मने आ मारी माताओ बहनों, हूँ भरूच जिल्ला में तो खूब फरेलो छू भाईओ, पहला तो अहीं साइकल पर आवतो हतो, एटलो बधो मैं प्रवास कर्यो छे। मारुं आ काम छे, तो अमारुं कार्यालय हतुं भरूचमां 5 बत्ती पासे, यहां मारे रोज आवानुं, मैं जोया छे ने बड़े याद छे। हूँ ज्यारे राजकारण में आयो तो लोग मने पत्रो लखे, बधा ओळखता, नानी नानी वात नी रजूआतो, अमारा गाम में आ करजो, अमारा मोहल्ला में आ करजो, अरे पेली स्ट्रीट लाइट लगावी होय तो पत्रो मने लखता लोग। आजे वीजड़ी होय, पानी होय, गैस होय, टॉयलेट होय, आ मारी माताओ बहनों ने बधी मुसीबतमांथी मुक्ति अपावानो मैं अभियान उपाड्यू। अने एना कारणे मने मारी माताओ बहनों ना आशीर्वाद पण मळे। गर्भावस्थानी अंदर अमारी माताओ बहनों ने पूरतु पोषण मळे, एमनुं चेकअप थाय, बाळकोनुं टीकाकरण थाय, पोषक आहार मळे, एना माटेनी योजनाओ करीने अमारी गरीब मां बाप मां बहनों की चिंता में करी छे। समय पर टीका लागे तो दीकरानी जिंदगी बची जाए, संतान की जिंदगी बची जाए, दीकरी जिंदगी बची जाए, कोई मोटा रोगचाला नो भोग न बने। हॉस्पिटल में डिलीवरी थाय एना माटेनी चिंता, मातृवंदना योजना द्वारा एना खाता में सीधा पैसा मोकलीए, जेथी करीने सुवावडनो टाइम होय त्यारे एना पेट में कंईक आहार जाए, तो पेट में जे संतान होय एने पण कंईक मळे एनी चिंता। रोजगार की बात हो, स्वरोजगार की बात हो, बेन दीकरियों माटे अनेक बधा अवसरो आपणे उभा करवानुं काम कर्युं छे। सखी मंडळोनी रचना आपणे गुजरात नी अंदर सखी मंडळोने एटला बधा सशक्त कर्या, बेंकोमांथी अमने पैसा डबल मळे एनी व्यवस्था करी, अने मामूली व्याजथी पैसा मळे, अने ए जे उत्पाद करे एने दुनियाना बजारमां वेचवा माटेनी मथामण करवानुं काम आजे कर्युं। एना कारणे अमारी बेन दीकरीओ बिना गेरंटी, कोई गेरंटी वगर मुद्रा योजना लईने बैंको मांथी लई लईने आजे धंधा रोजगार नी अंदर आगळ आवी रही छे। भाईओ बहनों विकास नुं कोई क्षेत्र एवुं ना होय, चाहे युवानो होय, चाहे महिलाओ होय, चाहे दरिया किनारे रहेतो मारो माछीमार भाई होय, बधाना भला करवा माटे आपणे काम करीए। अने अमे अमारा आदिवासी भाईओना कल्याण माटे तो एक महायज्ञ आदर्यो छे, एमना जीवन में बदलाव लावे, एमना जीवन में आत्मनिर्भरता आवे। गुजरात नी प्रगति में मारो आदिवासी भाई भागीदार बने, गुजरात नी प्रगति नुं नेतृत्व करे, एना माटे अमे सर्वोच्च प्राथमिकता आपी।
कांग्रेस वाला ने तो आदिवासी आ देश में चाहिए नहीं खबर ज नती। तमे विचार करो, भगवान राम ना जमाना में आदिवासी होता कि नहोता भाई? जरा जवाब आपो पड़जो। भगवान राम ना जमाना में आदिवासी होता कि नहोता? कृष्ण ना जमाना में आदिवासी होता कि नहोता? शिवाजी महाराज ना जमाना में आदिवासी होता कि नहोता? राणा प्रताप जोड़े लड़ाई लड़वा में आदिवासी भाइयों बहनों होता कि नहोता? 1857 की लड़ाई में आदिवासी होता कि नहोता? अमारा आदिवासी भाइयों आ देश की संस्कृति आ देश माटे आटलू बधु कर्यु, पण आ कांग्रेस वाळाने खबर ज नहोती के आदिवासी होय छे। नहीं तो आजादी ना आटला बधा वर्षो पछी ज्यां सुधी अटलजी नी सरकार ना बनी ने त्यां सुधी आदिवासी माटे कोई मंत्रालय ज नहोतु। बोलो, अटलजी नी सरकारे पहली बार आदिवासीओनुं मंत्रालय बनाव्युं, आदिवासीओ माटे बजेट बनाव्युं अने आदिवासीओना कल्याण माटे काम कर्युं। आ कांग्रेसना लोको तो अत्यार सुधी कोई मने आदिवासीनुं जाकीट पहेरावे के मने आदिवासी पागड़ी पहेरावता मजाक उड़ावता था। आदिवासीओना पहेरवेश उपर मजाक उड़ावनारी आ कांग्रेस पार्टी अने मना आ कांग्रेसना नेताओ वार त्यौहारे आदिवासी अपमान करनारा लोको एमना पासे थी आदिवासी कल्याण की कल्पना ना करी सका। भाईओ, एमना मन में क्यारे विचार ज ना आव्यो के आ आदिवासी भाईओ बहनों एमना में एक ताकत पड़ी छे, आ भारत ने आगळ लई जवानुं सामर्थ्य पड्युं छे। कांग्रेसे आदिवासी ने एना हाल पर छोड़ी दीधा था, एमना नसीब पर छोड़ी दीधा था। कुपोषण की मोटी समस्या अमारा आदिवासी परिवारों में, अमारी आदिवासी दीकरियों ने एने स्वास्थ्य की सुरक्षा, एना माटे आहार की सुरक्षा, एना माटे शिक्षण की चिंता, एना माटे कनेक्टिविटी की चिंता, एना एने अभाव माथी आ समस्याओमांथी मुक्त करीने आदिवासी क्षेत्रों में समृद्धि आवे, सामर्थ्य आवे, एना माटे भाजप सरकारे काम कर्यु, एना माटे संकल्प लीधा अने एना कारणे आजे आगे उमरगामथी अंबाजी सुधी अमारा आदिवासी पट्टा नी अंदर ईमानदार सरकार, मेहनत करनारी सरकार अनेक योजनाओ लाव्या, एना कारणे आजे आजे आदिवासीओनुं कल्याण थई रह्युं छे। भाईओ, एना माटे अने कांग्रेसनी इकोसिस्टम आत्मसम्माननी वात आवे तो आदिवासीओना आत्मसम्मानने कुचली नाखो। अमे एमना गौरवनो विचार कर्यो, आदिवासीओना गौरवने माटे थईने एने सशक्त करवा माटेनी अमे योजना बारी। अमे पाल चितरियानी अंदर अमारा आदिवासी भाईओ में जलियावाला बाग जेवी घटना बनी थी, आ कांग्रेस ने कोई दिवस याद ना आव्यु। अमारा भिलोड़ा पासे पाल चितरिया नी अंदर जलियावाला बाग जेवी आजादी ना जंग में लड़ाई लड़नारा अमारा आदिवासी ने मैं सम्मान कर्यु। भाईओ, आदिवासी बाळकों ने शिक्षण मळे एना माटे मैं काम कर्यु, आदिवासी युवानों ने रोजगार मळे एना माटे हम काम कर्यु, आदिवासी ने वाजपेयी जी नी सरकारे अलग मंत्रालय आप्यु, आदिवासी कल्याण माटे अलग व्यवस्था करी। अमे आदिवासी ने आखा उमरगाम थी अंबाजी पट्टा उपर 10,000 जेटली नवी स्कूलों बनावी। भाईओ बहनों, अमे आदिवासी विस्तार नी अंदर एकलव्य शालाओ बनावी, अमे आदिवासी विद्यार्थी विस्तार नी अंदर छात्रालय उभा कर्या, दीकरियों माटे अलग व्यवस्था करी, अमे दीकरियों शालाए जाय माटे आदिवासी निशाळो नी अंदर पण टॉयलेट नी व्यवस्था करी। 20 वर्ष पहला आदिवासी विस्तार में होनहार विद्यार्थियों ने आगे भणवू होय तो एना माटे कोई व्यवस्था नहोती। आज आदिवासी विस्तार नी अंदर साइंस स्ट्रीम नी शालाओनी आखी अमे माया आखू नेटवर्क उभू करी दीधुं, अमे प्रोफेशनल कोर्सेस शुरू करी दीधा। अमे गया 2 वर्ष दशक नी अंदर आदिविस्तारमां 11 साइंस कॉलेज, 11 कॉमर्स कॉलेज, 23 आर्ट्स कॉलेज। आ अमारी भाजपानी सरकार छे के जेने सैकड़ों आदिवासियों माटे होस्टेलो तैयार करी, अमारा हजारों आदिवासी बाळको जंगलों में जीवता था ये होस्टेलो में, अमे बे तो आदिवासी यूनिवर्सिटीओ बनाई। भाईओ, कोई कल्पना न करे अमे वनबंधु कल्याण योजना द्वारा अमे आदिवासियों ने आर्थिक मजबूती आपवा माटे 1,00,000 करोड़ रूपया उमरगाम थी अंबाजी सुधी आदिवासियों ने विकास माटे खर्चा। अमे आदिवासी सरकार में सौथी परंपरागत मुसीबत थी सिकल सेल नी, आ सिकल सेल माथी मुक्ति अपावा माटे आदिवासी ने आ रोग माथी मर जड़मूळथी खेड़ी नाखवा माटे अनेक लोकोनी मदद लईने वैज्ञानिक तरीके थी अमे आगळ वधी रह्या छे। अनेक विस्तारों में डिस्पेन्सरी, अमे वेलनेस सेंटर उभा कर्या,
અમે મેડિકલ સેન્ટર ઉભા કર્યા, અમે હોસ્પિટલની વ્યવસ્થા કરી. અરે સાફ કરડી જાય તો આદિવાસીને હોસ્પિટલ જતા પહેલા પ્રાણ પંખેર ઉડી જાય. અમે 108 ની અંદર આદિવાસીઓ માટે સાપના માટે ઇન્જેક્શન આપવાની વ્યવસ્થા પણ અમે કરી દીધી, જેથી કરીને ઝેર એના શરીરમાં ફેલાય નહીં અને હોસ્પિટલ જાય ત્યાં સુધી બચી જાય. આટલી ઝીણી ઝીણી ચિંતાઓ કરવાનું, આદિવાસીઓના યુવાનોમાં સ્વાભિમાન આવે એના માટે મેં કામ કર્યું. ભગવાન બિરસા મુંડા આઝાદીના નાયક, આદિવાસી માતાના કુખેથી જન્મેલ વીર નાયક, એને ભૂલાડી દીધા હતા. ભગવાન બિરસા મુંડાનું નામ આ ભાજપ આવ્યું એ પહેલા તમે સાંભળ્યું નહીં ભાઈઓ. અમે 15 નવેમ્બર આ જનજાતીય ગૌરવ દિવસ તરીકે પૂરા હિન્દુસ્તાનની અંદર ઉજવવાનું નક્કી કર્યું, જે અમારા ભગવાન બિરસા મુંડાનો જન્મ દિવસ છે. ભાઈ બહેનો, દેશભરમાં આ સ્વાતંત્ર સેનાનીઓ એમાં આદિવાસીઓનું મોટું યોગદાન રહ્યું છે એને ભૂલાડી દીધું છે. અમે આદિવાસી સ્વાતંત્ર સેનાનીઓ માટે મ્યુઝિયમ બનાવવા માટે દિશામાં કામ વધી ગયા છે. આવનારી પેઢીને ખબર પડે કે અમારા આદિવાસી પૂર્વજોએ કેટલી મોટું દેશ માટે કામ કર્યું છે. હમણાં હું માનગઢ ગયો હતો, ગોવિંદ ગુરુ અમારા માનગઢ ની અંદર જલિયાવાલા બાગ જેવી બીજી ઘટના બની હતી. અમારા આદિવાસીઓને અંગ્રેજોએ બંદૂકે વીંધી નાખ્યા હતા, મોતને ઘાટ ઉતાર્યા હતા. ગોવિંદ ગુરુની પ્રેરણા હતી. એ ગોવિંદ ગુરુના ધામમાં, માનગઢ ધામમાં જઈને આદિવાસી શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાનું કામ એમ કર્યું છે. ભાઈઓ બહેનો, આદિવાસી કલ્યાણની જ વાતો હું કરું ને તો કદાચ મારે અહીંયા એક અઠવાડિયા સુધી બેસવું પડે. અમે આજે ભરૂચ જિલ્લો અમારો વિકાસનો સાક્ષી બની રહ્યો છે. આજે ભરૂચમાં કહ્યું એમ ઔદ્યોગિક સેન્ટર બની રહ્યું છે, ઉદ્યોગોનો વિસ્તાર પૂરી તરફ થાય એના માટે કામ કરે. એક ઈમાનદારીથી પ્રયાસ કરીને અમે આગળ વધી રહ્યા છીએ ત્યારે, અને ઉદ્યોગ ત્યારે જ આવે, વીજળી હોય, પાણી હોય, કાયદો વ્યવસ્થા હોય અને યુવાનો માટે કામ કરવાનો અવસર હોય. આ બધી બાબતો પહેલા આપણે ગુજરાતમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું, એના કારણે ઉદ્યોગ બલ્ક ડ્રગ પાર્ક એનો શિલાન્યાસ મેં કર્યો હતો. ભાઈ આ બલ્ક ડ્રગ પાર્ક છે ને આખી દુનિયામાં તમારું નામ જાગૃત કરવાનો છે. આ અમે અમારું ફાર્માનું હબ બને, ભરૂચ જિલ્લો અમારો ગુજરાત ફાર્માનું હબ બને એના માટે મેં કામ કર્યું છે, જેથી કરીને નવજવાનોને રોજગારનો અવસર મળે એના માટે મેં કામ કર્યા છે. ભાઈઓ બહેનો, કોરોનાના કાળમાં વેક્સિન બનાવીને લોકોને જિંદગી બચાવવાનું કામ આ ગુજરાતની ધરતીમાં થયું છે, અમારા ભરૂચ જિલ્લામાં થયું છે, અને અમારા જંબુસરમાં બનેલી દવાઓ કરોડો લોકોના જિંદગી બચાવવાનું કામ કર્યું છે. ભાઈઓ, આ ગૌરવની ગાથા અમારા ગુજરાતના લોકોએ લખી છે. આદિવાસી ક્ષેત્રોમાં ઉદ્યોગો વધારવા માટે ટ્રાયબલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક પણ આપણે કામ કરી રહ્યા છીએ, જેથી કરીને એની પ્રગતિ થાય. અમારા ભરૂચને પીવાનું શુદ્ધ પાણી ન મળે, ભાડપૂજ બેરાજ બનાવીશું અને એના કારણે મારા માછીમારોનું પણ કલ્યાણ કરવાની વ્યવસ્થા જોડી છે અને પીવાના પાણીની પણ સુવિધા કરી છે. અમે ગોગા દહેજ ફેરી સર્વિસ આખા સૌરાષ્ટ્ર જોડે ભરૂચ જિલ્લાને જોડી દેવાનું કામ કર્યું છે. ભાઈઓ, ખેતી હોય, ઉદ્યોગ હોય, વિકાસના દરેક ક્ષેત્રમાં અમે તેજ ગતિથી 6 લેન રોડ આજે દહેજ હજીરા 35 કિલોમીટરનો 6 લેન રોડ લોકો જોઈને તાજુબ થઈ જાય છે. ભાઈઓ, સડક હોય, રેલ હોય, હવાઈ કનેક્ટિવિટી, હવે અંકલેશ્વર એરપોર્ટ, બધા મોટા મોટા નેતાઓ આવી ગયા, એમને હુજુ નહોતું કરવાનું, અમે કરવાના, આ કામ અમે કરવાના. ભાઈઓ, મુંબઈ એક્સપ્રેસ અમારો આમોદ થઈને નીકળશે, તમારો તો જય જયકાર છે. ભાઈઓ, હું જેટલા ભવિષ્યના કામો ગણાવું ને તોય તમારું ભાગ્ય બદલનારા કામો છે, અને એટલા માટે હું કહું છું. ભાઈ, આ ચૂંટણી ગુજરાતનું સંતોષી મન, ગુજરાતનું વિકાસને વરેલું મન, અને એટલા માટે તમારા સહયોગથી બધે જ કમળ ખીલવા જોઈએ. ખીલશે ને ભાઈઓ? દરેક પોલિંગ બુથમાંથી કમળ નીકળશે ને? દરેક પોલિંગ બુથમાંથી કમળ જ ઉગવું જોઈએ. પાકું? વધુમાં વધુ મતદાન કરાવશો? ઘેર ઘેર જઈને સંપર્ક કરશો? મારી વાત પહોંચાડશો? અને જ્યારે હું ભરૂચ જિલ્લામાં આવ્યો છું, આટલા બધા ગામનું મેં પાણી પીને મોટો થયો છું, આટલા બધા ગામોની ધૂળ ખાધેલી છે, એટલા બધા લોકો મને ઓળખે છે, પણ હવે કામ મારું એટલું બધું વધી ગયું, બધાનું હું મળી ના શકતો હું, તો મારું એક કામ તમે કરશો? ભાઈઓ, કરશો તમે? પાકા પાયે કરવાનો હોય તો બોલો, હાથ ઉપર કરીને કો, કરશો?
તમે જુઓ આપણા ગામમાંથી કોઈ યાત્રાએ જતું હોય, કોઈ કાશી જતું હોય, કોઈ અયોધ્યા જતું હોય, કોઈ બદ્રીનાથ કેદારનાથ જતું હોય, કોઈ રામેશ્વરમ જતું હોય, તો આપણે શું કહીએ? એમને કહીએ કે તમે જાઓ છો ને, તો એક કામ કરજો, મારા વતી પણ જરા ભગવાનને પગે લાગજો. એવું કહે કે ના કે? બધા આવું કહે ને, ગંગામાં ડૂબકી મારવા જાય તો એમ કે મારા વતી પણ ગંગાજીમાં એક ડૂબકી મારજો. એવું કહે કે ના કે? તમે આવનારા બે અઠવાડિયા આ ચૂંટણીમાં એક એક મતદારને મળવા જવાના છો. આ મતદારને મળવા જવું ને, એ પણ એક તીર્થયાત્રા છે ભાઈઓ. મતદાતા તીર્થરૂપ છે, એ આ દેશની લોકશાહીને બચાવે છે, આ દેશની પ્રગતિનો એક કર્ણધાર છે. એટલે આ તમારી તીર્થયાત્રા છે. હવે જ્યારે તમે મતદાર રૂપી તીર્થયાત્રા કરવા જાઓ છો, ત્યારે મારું એક કામ કરશો, જોરથી બોલો તો જવાબ આપો તો કહું, નહીં તો ના કહું. ખોખારીને બોલો તો કહું, નહીં તો ના કહું. કરશો કરશો ભાઈઓ? આ તીર્થરૂપ જ્યારે મતદાતાઓને મળો, ત્યારે એમને હાથ જોડીને કહેજો કે નરેન્દ્રભાઈ આવ્યા હતા જંબુસર, નરેન્દ્રભાઈ જંબુસર આવ્યા હતા અને એમણે તમને પ્રણામ પાઠવ્યા છે, નમસ્તે પાઠવ્યા છે. આટલું કહી દેશો ભાઈઓ? જેમ કોઈ તીર્થ માટે જાય અને કહેતા હોય છે કે મારા વતી પગે લાગજો, એમ હું તમને કહું છું કે મારા વતી આ બધાને પ્રણામ કહેજો અને કહેજો નરેન્દ્રભાઈ ખાસ પ્રણામ પાઠવ્યા છે. બોલો મારા માતા, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ.